जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू टुडेज व्लॉग। तो आज का वीडियो हम बना रहे हैं कैसे पेपर्स के ऊपर। तो आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कैसे पेपर्स, क्या उनका मतलब फ़ायदा होता है और क्या फ़ायदा नहीं होता है। तो ये वीडियो का मकसद है कि आप लोगों को फ्रॉड से अलर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अभी हर एक चीज़ का आपको मैं पेपर दिखाने वाला हूँ। बहुत पेपर, ये तो अभी मैंने स्टार्ट किया है, मेरे पास अभी 30 तक पेपर, 20-30 पेपर मेरे पास अवेलेबल है अभी। ये सारे मेरे डॉग्स के पेपर हैं। मैं आपको कुछ सावधान करना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं सारे के सारे पेपर्स, ठीक है। इसमें लैब्राडोर का है, जर्मन शेफर्ड का है, ठीक है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो पहली बात है, बात करते हैं हम लैब्राडोर की। जैसे कि मेरा मेल आपने मोटे देखा है, ठीक है। तो पहली बात है, हम मोटे का पेपर कैसे इसको पता करेंगे, पहले वो बात मैं आपको बताता हूँ। तो पहले आपको उसका जो ब्लड लाइन है, जो लैब्राडोर होता है, उसका थर्ड जनरेशन तक आपको पता लगता है। जैसे फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन, ये है थर्ड जनरेशन, ठीक है। ये है उसका फादर, ये है मदर, ठीक है। और मतलब ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ठीक है। तो ये है उसका सन, चैंपियन, CH मतलब होता है, CH का मतलब होता है चैंपियन, चैंपियन वेस्ट, ठीक है। और ये मदर है इंडियन चैंपियन लैब SPV, आप देख सकते हैं जैसे कि, ठीक है। और जो उसका सन है वो है ब्रूनो मार्स, और डॉटर है डोव, ठीक है। और इनके जो ब्रीडर का नेम है दविंदर पाल सिंह, जो कि बहुत अच्छा नाम कर चुके हैं इंडिया में, ठीक है। तो कब ये पैदा हुआ था वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है केसीए पेपर्स में, 17 अप्रैल 4, ठीक है। सॉरी 17 अप्रैल 2019, ठीक है। और सेक्स डॉग है, ठीक है। और माइक्रोचिप नंबर यहाँ पे रहता है, आपको जो माइक्रोचिप नंबर रहता है उसको क्या करना है, आपको मिलाना है। ये है जैसे कि माइक्रोचिप नंबर इसका, ठीक है। तो माइक्रोचिप ये कौन सा वाला है, आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये इसी का माइक्रोचिप नंबर है। आपको कभी भी आप पेपर्स किसी से रिसीव करते हैं तो पहली बात है आपको माइक्रोचिप नंबर 9781010249150 ये इसका हमारा पेपर है। तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम ट्रांसफर लेटर, हमको तीन चीज़ मिलती है, ठीक है। तीन चीज़ें क्या मिलती है जब हम पेपर रिसीव करते हैं। पेपर रिसीव करने में हमको पहली बात ये माइक्रोचिप मिलता है, ठीक है, जो कि शो के पहले इंजेक्ट किया जाता है। और ये मिलता है, हमारा पेपर मिलता है लैब्राडोर का, ऐसे थर्ड जनरेशन का पेपर मिलता है। और एक उसके साथ एक ट्रांसफर लेटर भी मिलता है, जो कि कोई इस प्रकार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया जाता है जो ब्रीडर है उसका सिग्नेचर होना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे ये मेन है सिग्नेचर, ओनर सिग्नेचर अगर नहीं होगा तो आपका पेपर ट्रांसफ़र नहीं हो सकता आपके। तो यहाँ पे मैं अपना नाम लिखूँगा, और जब हम ट्रांसफ़र भी कराएंगे आपको हर एक चीज़ दिखाऊँगा मैं। यहाँ पे हम अपना नाम लिख के प्रेजेंट ओनर, ये वहीं पर मेरा साइन रहेगा, और ये यहाँ पर उसके बाद जो है यहाँ पर आ जाएगा उसका मेरे नाम पर चेंज। वो भी कैसे होगा वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यह है मेरा पैंथर का पेपर है, जैसे कि मैंने लैमिनेशन करा रखा है, ठीक है। और मतलब मेरा सबसे जो खास था ये उसका पेपर है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं उसका फादर था चैंपियन विलियम, डायरेक्ट चैंपियन विलियम का सन, पैंथर का नाम था जॉर्डन, और यह है मदर कैरी। और बहुत अच्छा ब्लड लाइन इसीलिए कैरी करता था क्योंकि उसका जो ग्रैंडफादर था, जो पैंथर का ग्रैंडफादर था बिस्किटो दी डोमस, और जो मदर लाइन भी थी उसका भी ग्रैंडफादर था बिस्किटो दी डोमस, ठीक है। तो मतलब जो लाइन ब्रीडिंग है, ठीक है, मेरे पास उसका एक बेस्ट पपी था। और ये जब मैंने ओनरशिप ट्रांसफ़र कराया था तो कुछ ऐसे आ जाता है ओनरशिप ट्रांसफ़र के बाद, यहाँ पे आशीष कुमार कर जो कि मेरे नाम में है, ठीक है, ऐसे पेपर कुछ आपके नाम में आ जाता है। तो बात करते हैं हम मेन फ्रॉड कहाँ पे होता है, ठीक है।
तो आप पहले आपको चेक क्या करना है, अगर आप एक जर्मन शेफर्ड लेते हैं, ये देखिए जैसे ये बूस्टर का पेपर है, ठीक है, बूस्टर का पेपर है, इसके जो मतलब ब्रीडर थे, ठीक है, ब्रीडर है अमनिंदर सिंह, ठीक है, अमनिंदर सिंह इसके ब्रीडर है। ये इसका ट्रांसफर लेटर मेरे को मिला है, ये देखिए। और जैसे कि जो हमारा ये है बूस्टर, बूस्टर सन है किसका, मैक्स दी एनिजमैनिक का, जो कि मतलब इंडिया का सबसे टॉप डॉग है अभी के टाइम में, मतलब जो कि सबसे ज़्यादा विनिंग कर चुका है। और मतलब उसका जो लाइन मैं आपको बता दूं, बहुत बढ़िया लाइन है। और जर्मन शेफर्ड का जो पहली बात रहता है, जर्मन शेफर्ड का फिफ्थ जनरेशन तक आपका पूरा पेपर रहता है, ये देखिए फिफ्थ जनरेशन। जैसे कि ये एक जनरेशन हो गया, ये टू जनरेशन हो गया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है, पांच जनरेशन पूरा उसका रहता है। और ये है जब पुराना मतलब पेपर, जब हमारा जर्मन शेफर्ड का जब आता था, हमारा तीन जनरेशन तक का पेपर आता था, ठीक है, ये तब का पेपर है मेरे पास, बहुत पुराना पेपर है ये, 2018 का है पेपर, ठीक है, आप देख सकते हैं 2018 का पेपर कैसा है, ठीक है। और ये है मेरे रॉकी का है, और चैम्पियन आर्डिनरी रेडॉक्स, और मदरलाइन अकीरा, और इसका जो चैम्पियन स्नैपर इसको बाटू, इसके बहुत बढ़िया लाइन का है। और पेपर मैटर करता है कब आपका शो में, और देखिए डॉग मैटर करता है आपका, कैसा आपके पास अच्छा डॉग है नहीं है। और ये हाँ, ये एक फॉर्म है, ये गैजेट, आपको अगर गैजेट चाहिए होता है कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, तो ये गैजेट काम देता है। ये है मेरे नोरा का पेपर, 2020 डेट ऑफ बर्थ, फादर गुंदाबाद वॉम फनिनो, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, मदर एनी ऑफ गेंगस, ठीक है। ये देखिए पेपर्स मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली मेरे को एक कस्टमर का कॉल आया था, ठीक है, मेरे को बहुत बुरा लगा था तब, आपके पास पेपर है बोल के हम कैसे जाने ये है। ये देखिए पेपर हमको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर डॉग आपके पास अच्छा है और आपको पता है कि आप, मेरे को किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है मेरे पास क्या चीज़ है और मैं उसी में खुश हूँ, बहुत मेरे पास जो है। हाँ, मेरे से बहुत अच्छे लोग रख रखा है, मैं वो मैटर नहीं करता, सभी के पास किसी के पास कैसा क्वालिटी है वो मैं मैटर नहीं करता, मेरे पास जो है भाई, मेरे लिए वो बहुत कुछ है, ठीक है, वो मेरे बच्चे हैं, मेरे को किसी के साथ दिखाना नहीं है। और ये है स्टड फॉर्म, जो कि मेरे जो स्टड फॉर्म है, देखिए मेरे पास कितने फॉर्म, मैंने निकाल के रख रखे हैं, क्योंकि जब हम कैश मेटिंग देते हैं या कहीं पे हमारा पेपर अप्लाई होने, मतलब पेपर अप्लाई होता है, तो ये स्टड फॉर्म हमको चाहिए होता है। स्टड फॉर्म क्या लिखा है, विद द एप्लीकेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ लेटर और सिंगल डॉग, ठीक है, सर्टिफिकेशन टू बी सबमिटेड बाय ब्रीडर अलोंग, ये हमारा स्टड फॉर्म है, ठीक है। मेटिंग डेट, डैम ओन बाय, मतलब फीमेल का ओनर कौन है, नेम एड्रेस ओनर ऑफ द डॉग, फोन नंबर, ईमेल आईडी, सिग्नेचर यहाँ पे दिया जाता है, ऐसा कुछ हमारा स्टड फॉर्म होता है। ये देखिए ये किसका पेपर है, ये बीच, ये है जारा का पेपर, ठीक है, ये है जारा का पेपर, जारा का बहुत बढ़िया लाइन है, जारा, जारा का एक्चुअली नाम है कैंडी, ठीक है। ये देखिए जारा का पेपर, और ये लास्ट में आ गया, ये किसका पेपर है, अरे ये जैक का पेपर है, जैक का भी बहुत बढ़िया लाइन है, जैक का जैसे आपको लाइन बता देता हूँ, उसका भी फादर चैंपियन विलियम है, मैक्स नाम है उसका, और डेला ये हो गया चैंपियन, दीप्ति उसकी जो ग्रैंड मदर है, ठीक है, और बहुत अच्छा लाइन का है। ये खुशी लगता है जब हमारे पास अच्छे लाइन के डॉग्स होते हैं। ये हमारे पास सारे पेपर्स हैं, और भी पेपर्स मेरे पास हैं, पेपर आपको मैं ये चीज़ आज बताना चाहता हूँ सभी को, ठीक है, कि भैया डॉग मैटर करता है, पेपर मैटर नहीं करता है। अगर आपके पास अच्छा डॉग है, अच्छा एक टक्कर देने वाला डॉग है, तो आपको पेपर क्या, पेपर
अभी केसीए में कितना फ्रॉड होता है, आप मेरे को एक नॉर्मल बात बताएं। अगर आप एक बच्चा खरीद रहे हैं, ठीक है, तो आपको कैसे कंफर्म होगा कि इसी का बच्चा है? कैसे कंफर्म होगा? ब्रीडर तो ऐसा भी कर सकता है कि उसके पास अगर कोई लीटर में 7 बच्चे हुए तो वो 10 बच्चे का पेपर अप्लाई कर लेगा, आपको उसी पेपर उसी लीटर में से पेपर दे देगा। आपको पता कैसे चलेगा ये इसी का बच्चा है? ठीक है, वो मालूम पड़ता है अगर एक्सपीरियंस होता है आपके पास, एक मतलब लॉन्ग टाइम का एक्सपीरियंस होता है और आपको पता होता है कि नहीं ये इसी का बच्चा है, मेरे को पता है, मतलब इन फ्यूचर बनेगा। मेरे एक कस्टमर है, उनको एक आदमी ने फ्रॉड बनाया था ऐसे, मतलब बच्चा एक दिया था वो जो वर्किंग लाइन का चार पैर सीधा वाला, और उसको बोला था ये इन फ्यूचर आप इसको शो खिलाइए, ये खिलाइए, वो बंदा फ्रॉड में आया। तो देखिए ऐसे कुछ बंदे फ्रॉड में आ जाते हैं। जो मेरे कैनल में जो बच्चे होते हैं, मेरे होम ब्रीडिंग जो होते हैं, मैं लाइव उनको केसीए पेपर का मतलब ये भी, अगर उनको विश्वास नहीं होगा तो उसका मैं अप्लाई फॉर्म में दिखा देता हूँ, हर एक चीज़ दिखा के उनको देता हूँ, जिससे कि उनको हर एक चीज़ का प्रूफ मिले। क्योंकि जब हमसे कोई लेता है तो भैया उसको हर एक चीज़ का प्रूफ रहना चाहिए कि वो हमसे क्या चीज़ ले रहा है और कैसा चीज़ ले रहा है। ठीक है, तो बच्चा मेरे से मेरे घर का होम ब्रीड जो भी लेता है तो मैं उसको हर एक चीज़ का प्रूफ दिखा के, क्योंकि जेन्युइन काम करना है हमको, मतलब आप लोगों को फ्रॉड करने का कोई 1% चांस नहीं है। क्योंकि अगर मैं मेरे घर पे इतने पेपर हैं तो उसमें एज भी लिखा रहता है, अगर मैं आपको एक बड़े का मतलब एक बच्चा है उसको मैं बड़े का पेपर दे दूंगा तो वो तो गलत है। ठीक है, और लाइन में मैटर करता है, आपको पेपर तो मार्केट में ऐसे सेल होते हैं, मतलब मेरे को बहुत ऐसे लोग हैं जो कि पेपर मांगते हैं, लेकिन आज तक मेरे पास 20-30 पेपर पड़े हैं, मैंने आज तक ये पेपर किसी को दिया नहीं है। जो भी हक का पेपर है आप ले लो, जो आपके ब्लड लाइन का पेपर ही नहीं है उसको दे के मैं क्या करूँगा, है ना? तो आज का वीडियो किसी के ऊपर था, किसी के पेपर्स के ऊपर। तो पेपर्स आपको जब आप रिसीव करते हैं तो आपको वो जो ब्रीडर है उसको क्या क्या बोलना है आपको पूरा, हाँ ये ट्रांसफर लेटर है ये मेन है। ठीक है, क्योंकि ये अगर नहीं होगा आप अपने डॉग को अपने नाम पे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर 35-40 हज़ार, 50-60 हज़ार, जितने 1 लाख 2 लाख जितना दे के भी खरीदे, अगर ये नहीं है तो आप ट्रांसफ़र नहीं करा सकते। तो पहली बात है आपको यहाँ पे पूरा जो ओनर है ओनर को बोल दीजिए, जो मतलब ब्रीडर है उनको बोल दीजिए, पूरा फॉर्म फिलअप करके दे देंगे वो, और आप यहाँ पे अपना सिग्नेचर मार के केसीआई को आप ये कुरियर कर देना। और कुछ इसका अमाउंट लगता है, यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे लिखा रहता है, जो भी अमाउंट हो आप ट्रांसफ़र का लेटर कर दे के इसको आप अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा सकते हैं, फिर आपको कुछ ही दिनों में आपका पेपर भी रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आया तो क्या करना है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, और जय हिंद जय भारत।